किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि निर्मल मन या सरल स्वभाव से प्रभु की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार्य होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है प्रभु सर्वत्र है। एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दे, पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार बार आग्रह करने पर दुकानदार खींच कर कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिखकर तराजू पर रख देती है। दुकानदार ये देखकर हंसने लगता है, फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है। आश्चर्य, कागज वाला पड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वो और सब्जी रखता जाता है, पर कागज वाला पड़ा नीचे नहीं होता। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था, हे श्री कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक और अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, वो चाहे 1 घंटे की हो या 1 मिनट की हो। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर सच तो ये है कि ईश्वर को याद करने का कोई समय नहीं होता। दोस्तों, प्रभु को याद करने का कोई समय नहीं होता। दिल से की गई प्रार्थना, निर्मल मन या सरल स्वभाव से की गई प्रार्थना हमेशा भगवान सुनते हैं, चाहे किसी भी समय की गई हो। इसलिए निर्मल मन से, सरल मन से प्रभु का याद करते रहें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और निर्मल मन या सरल स्वभाव बनने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे सबसे पहले मिले, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।